सवारों को कितना सताओगी रानी, कभी अभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी। ओ इसको क्या हो गया? ओ भाई हमारी हो गई शादी, हमारे ताऊ तुम्हें देखिए। हाँ। कितना मजा आएगा। तो ताऊ को दिखाने के लिए शादी कर रहा है? ओ भाई हम तो अपने गांव वाले ने दिखाई है। इधर सुनो, एक भैंस बेचेंगे यूं करके, तुम्हारी जैसी खरीद लेंगे फटाक सीना। नहीं नहीं सुनो सुनो, इधर बैठो, इधर बैठो यार। क्या मतलब? नहीं राव साहब, यानी कि राव साहब कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते? हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, पक्का? हाँ। तो तुम्हारी किस्मत फूटी है। क्यों फूटी है? राव साहब को तुम ऐसे बोल लियो। तुम राव साहब तेरे शहर महल का बजे राव साहब का चोरी बेहिसाब का कदी आर पार का रेड ट्रेंड भी चले देख। सवारों को कितना सताओगी रानी, कभी अभी तक किसी की दुल्हनिया बनोगी। तो क्या हो गया? ओ भाई हमारी हो गई शादी, तोड़ दे। हे मम्मी क्या तरीका है ये? तोड़ दी माला? पागल भाई तुमने मेरी माला तोड़ दी। मतलब किसी के भी ऐसे माला डाल दोगे भाई? और मैं कितनी पता करो, तुम्हें नहीं तोड़ा। ओ भाई मैडम यार तुम्हें शर्म नहीं आई? बताओ यार ये तो अशुभ हो गया। अशुभ? अशुभ? हाँ। प्रॉब्लम ये मैडम तुमने अशुभ कर दिया, अब शादी कैसे होगी हमारी? मुझे तुमसे शादी करनी कब थी? ओ भाई इधर बैठो आके, तुम इधर साइड क्यों बैठू? हैं भाई ये माला तुमने तोड़ दी यार, पंडित ने बोला था कोई अशुभ काम नहीं होना चाहिए यार। ये सोचो कि मैंने तुम्हारी गर्दन नहीं तोड़ी, तोड़ी? माला ही तोड़ी है बस। गर्दन भी तोड़ दोगी? क्या पागल हो तुम? गर्दन तोड़ने का मौका ही नहीं दूंगा मैं अपने जाऊंगा स्वागरात पे। हाँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ जाऊंगा ना स्वागत में, वहां पर लेके जाऊंगा। तो क्यों जाता? तुम गर्दन तोड़ने की बात कर रही हो ना? हाँ, तो पापा क्या कर लेंगे तुम्हारे? तो पापा बगल में होंगे ना, बगल में। बगल में? हाँ। पापा क्या कर लेंगे? पापा बचा लेंगे हमें। अच्छा। मुझसे बचाएंगे? और क्या नहीं पापा। और क्यों और कौन बचाएगा? पहले तो ये बताओ तुमने ये माला डाली कैसे? ओ भाई शादी हो गई हमारी। शादी हो गई? हाँ। तुम्हारे कहने से शादी? शादी और हमने प्लानिंग भी कर ली यार। ये पागल है, इसको इसको कोई समझाओ। क्या हो गया? इदर, ओ भाई इधर बैठ जाओ आके। हाँ चुट। पता मेरी घरवाली एक तो ये चीज सोचेंगे कि लड़की तूने सेटिंग पर पता शादी करी तो कौन सी बीबी से करी, चड्डी पहनने वाली से। मैं तो घर की खुशी की वजह से कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे ताऊ तुम्हें देखिए। हाँ। कितना मजा आएगा। तो ताऊ को दिखाने के लिए शादी कर रहा है? ओ भाई हम तो अपने गांव वाले ने दिखाई है। एक तू मेरा दिमाग खराब मत कर, मेरा वैसे दिमाग की खिसकी हुई है। खिसकी हुई है? फालतू का। चलो 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 देखो यहाँ बैठ के यार क्या ओ, मैं अगर मैंने सैंडल खोल ली ना सैंडल? तो अभी तेरा मुंह लाल कर दूंगी, बता रही हूँ मैं। ये सरोजनी जानदा नहीं है मुझे, सरोजनी वाली है ना, ब्रांड पहनती हूँ। और तूने देखा अपने आप को, तू मेरे घर चली आएगा, तू मुझसे शादी करेगा? सरोजनी वाली को सैंडल पहन के तू सरोजनी? खर्चे की बात मत करना मैडम, यूं यूं उड़ा देते यूं हम, पता है मैडम हम जानता है मेरा खर्चा। तुम जानती हो हम कौन है? तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं तुम जानती हो कौन है? जानता है मैडम, हमें जमींदार लोग हैं हम। तो किसी के भी गले में माला डाल देगा। इधर सुनो, एक भैंस बेचेंगे यूं करके, तुम्हारी जैसी खरीद लेंगे फटाक सीना। नहीं नहीं सुनो सुनो, इधर बैठो, इधर बैठो यार। पुलिस को बुलाऊंगा अभी। पुलिस को क्यों बुलाओगी? पुलिस क्यों बुलाया जाता है? अच्छा सुनो देखो, चलो सारी बात छोड़ो, देखो देखो सुनो, ये जो माला है ना, ये वाली माला देखो सुनो, वो वाला तुमने अशुभ कर दिया, अब इसे तोड़ना नहीं, ठीक है ना? ये ऐसे करके डाल लो। और चाहते हम मैडम से हम पता है हनीमून पे जाना चाहते हैं। मैं देखो चाचा कैसे देख रहे, चाचा देखो ये ईमानदार है, हमसे शादी ना कर रही है। क्या हो गया? इसको भी मुंह तोड़ दूंगी। जा तेरे चाचा क्या है, क्या कर लेगा मेरा तेरा चाचा? चाचा नहीं है वो, पार्क में बैठा कोई। हाँ तो चाचा कैसे बना लिया? तो किसी को कुछ भी बना लेगा अपनी मर्जी से? हाँ किसी को कुछ है? क्या तू डॉन? मैं तो लड़का हूँ, तुम पता नहीं क्या हो। तो क्या हो गया? हटाओ, क्यों हटा रही हो? पुलिस को बुला लूंगी अभी। पुलिस को बुला लूंगी? हाँ। अच्छा पुलिस तुम्हारे पापा है ना? हाँ। ओ जानता नहीं है, सही बताओ? बताया नहीं मैंने तुझे। ओ भाई हमारे पापा भी पुलिस। मौज आ गई।
तो अब तो रिश्ता पक्का हो गया। कुछ भी समझी तू एक काम कर, तू किसी और को ढूंढ ले, मैं तेरे। अच्छा सुनो इधर आओ देखो सुनो, तुम्हें एक बात बताऊं, इधर आओ। तुम्हारी मम्मी क्या करती है? मेरी मम्मी मेरे पापा से प्यार करती है। पापा से प्यार करती है? तुम्हारी जैसी है एकदम तुम्हारी मम्मी। क्यों, क्या करना है? पूछ रहा हूँ, बताओ तो। क्यों बता पहले? फिर अपने पापा सेटिंग करा देंगे। तुम पता ऐसी चड्डी पहन के ट्रैक्टर पे बैठना, भाई साहब सब गांव हमें देखेगा, भाई साहब सारे परिवार के लोग आ जाएंगे, पता ये कहेंगे भाई साहब उनको लोड़ा कितनी बढ़िया बहू लेके आओ चड्डी पहने घूम। हाँ बढ़िया नहीं है, मैं बढ़िया हूँ। वो भाई हम क्यों नहीं बढ़िया है? वो हमारी मजबूरी है, हमें शहर की बीवी चाहिए, इस वजह से तुमसे डंडा क्यों उठा रही हो? देखो यार डंडा दिखा के आप मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। चलो पति बना भैया। भैया क्यों बोला तुमने यार? मेरी मर्जी, जैसे तेरी मर्जी थी तूने मेरे गले में माला डाली ना, ऐसी मेरी मर्जी, तू मेरा भैया है बस। भैया अच्छा, मुझे माफ कर। सुनो इधर साइड ऐसे बैठो ऐसे। हाँ अब देखो तुम्हें मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखो मैं इधर साइड से घूम के आया, ठीक है ना, तो तुमने मुझे पीछे आँख मारी। मैंने हाँ मैंने कब आँख मारी? अरे तुमने ऐसे करके इशारा दिया ना। अरे भैया यार डंडा दिखाने में लगी हुई है, मेरी ये कोनी देख रही हो? ऐसा भैया मुझे माफ कर, मेरा दिमाग बहुत खराब है, मैं शांति। मैडम भैया ये ना बोलो, मुक्का दे देंगे। देखो तू लड़की पे हाथ उठाएगा? नहीं, हाँ, अभी से हाँ, तू ये कर हाँ, रहा है और शादी कर रहा है, सपने देख रहा है। हम जा रहे हैं, हमारी तुम लुगाई बन जा। हाँ। तो हम मैं गांव में नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? समझा भैया मुझे छोड़। भैया क्या हो गया? देखो सुनो क्या करूं? तो भगवान शादी थोड़ी नहीं कराएगा। भैया मैं ना वैसे ही बहुत यार मैडम भैया ना बोलो यार, जरा जिंदगी बर्बाद हो गया भगवान यार, भैया बोल के अरे जिंदगी बर्बाद हो गया हमारा। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी क्या जिंदगी बर्बाद हो गई? अभी तो बच्चे भी नहीं हुए, हमने तो प्लानिंग बना ली थी एक घंटे बाद। सुनो देखो हमें लड़ाई नहीं करनी है। हाँ। ये पता है ये जो माला है ना, ये पता बहुत महंगी आई है। हाँ। पता है मैंने 3 लाख की मंगाई थी। तो क्या करूं? ए, ये पता है तुम बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ। यार कर लो ना शादी यार। तू ना तू मुझे पसंद ही नहीं है ना, तू प्यारा है ना, तू अच्छा लगती बात अच्छी ना, तू अच्छा। भैया मुझे माफ कर। चलो तुम्हारे पापा जो झाड़ू लगाते हैं उसे ट्रैक्टर दिला देंगे। क्या? हाँ तुम्हारे पापा। तू पागल है क्या? क्यों? तू जानता मेरे पापा के बारे में? नहीं जानते नहीं है, जान लेंगे ना। पुलिस में है वो, झाड़ू लगवाते हैं लोगों से। मुझे पता है, उसी स्टाफ में मेरे पापा है ना। तेरे पापा तो मैं क्या करूं? मेरे पापा वो झाड़ू लगवा दे, ये बोलते हो झाड़ू लगा दे तो फिर झाड़ू लगाते तुम्हारे पापा। हाँ अपनी मर्जी से करती हो। अपनी मर्जी से शादी कर ले यार, बहुत प्यारी लग रही हो। सुनो देखो कितनी प्यारी लग रही हो, हमारी तुम्हारी जोड़ी अच्छी लग रही है। एक मैं बता रही हूँ, मैंने अगर एक फोन कर दिया तो तेरी टांगे कर दिया, कहाँ जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। कब किया?
कर दिया अगर। अच्छा, करोगी? हाँ। चलो पापा से बात कर रहे रिश्ते की, यहाँ बैठ के करते हैं। चलो तुम इतनी सॉफ्ट हो, दिल नहीं कर रहा, बार बार टच करने का दिल कर रहा है, हम क्या करें? नहीं 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 सुनो यार, मैडम किसे कॉल लगा रही हो? किसे 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 लगा रही हो? अभी पुलिस को फोन लगा रही हो, रुक। कट गया यार, तुम पुलिस से क्यों कर रही हो? तेरी टांगे तोड़वानी है। मेरी टांगे? हाँ। नहीं यार, ऐसा मत करो ना, जब तेरे छोटे छोटे टुकड़े। अच्छा, क्या समस्या होगी, क्या कमी क्या है मैडम? अच्छा तुम चलो फालतू की बातें छोड़ो, हमारे गाँव में चलोगी? क्यों जाऊं मैं तुम्हारे गाँव? गाँव में ट्रैक्टर वगैरह है, ट्रैक्टर में बैठा के घुमाएंगे हम तुम्हें। मैं ना ट्रैक्टर में बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा चलो सारी बात छोड़ो, गाँव के लोग पसंद नहीं? पसंद। शहर के पसंद है? नहीं पसंद। कैसे पसंद है? मेरा जो लाइफ पार्टनर होगा ना, बॉडी बिल्डर होगा। ओके मैडम, शकल धोएगा और नाली में शकल धोएगा। तो क्या मेरे पीछे पड़ा, मैं तेरे पीछे नहीं पड़ी हूं। चलो 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 सारी बात छोड़ो, राव साहब कैसे लगते हैं? क्यों, तुझे क्या मतलब है? नहीं राव साहब यानी कि राव साहब कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते? अच्छे लगते हैं। पक्का? तो तुम्हारी किस्मत फूटी है। क्यों फूटी है? राव साहब को तुम ऐसे बोल रही हो। तुम राव साहब तेरे शहर में है, रुका बजे राव साहब का, चोरी बेहिसाब का, कदी आर पार का, रेड ट्रेंड भी चल देगा तो ब्रांड का। देख राव साहब बन रहा ब्रांड से, आज कर है कॉपी सब मारे ट्रेंड से। तुम? हाँ यादव है अपन। ओह यस, तुम राव साहब? हाँ, तभी तो ट्रैक्टर वगैरह की बातें कर रहे हैं हम। अच्छा हाँ, पहले क्यों नहीं बताया तुमने? ओ भाई साहब, पहले बताना था, पहले वो कैमरा भी बताएगा, वो लगा हुआ था। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, हाय करो एक बार। हाय। चले तो फिर चले, इस वीडियो को यूट्यूब पे डालेंगे। कहाँ क्लब चल रहा है, कहाँ चल रहा है? पहले जाएगी क्लब। नहीं क्लब जाओगे, फिर राव साहब के साथ ट्रैक्टर पे चलोगे? हाँ चलूंगी। पक्का? तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी है, ठीक है ना? और ये तो हो गई राव साहब की दीवाली। चलो बाय बाय, राम राम जी।